हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बनाएंगे दही बड़े। सबसे पहले मैंने मूंग की और उड़द की दाल ली है, उसको रात भर भिगो के रखा था। अब हम इसे पीस लेंगे। मैंने इसे थोड़ी देर पीसा तो ये थोड़ा दरदरा टाइप का था, इसलिए मैंने इसको दोबारा पीसा तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ तो ये पीस चुका है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसे हम फेटेंगे। इसको 10 मिनट तक तो फेटना ही है, ताकि ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट, रुई की तरह सॉफ्ट बनकर निखरे। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है चटपटा के टेस्ट के लिए। आप अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें इनो डाला है, आप चाहिए तो मीठा सोडा या खाने वाला सोडा का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कुछ देर के लिए। वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, तो आप 5-10 मिनट के लिए इसको फ्रिज पे रख दीजिएगा। 5 मिनट के लिए फिर से इसको फेटिएगा। उसके बाद फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बना के हम इसे फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम आप थोड़ा मीडियम टू हाई ही रखें, ताकि ये पेड़े जो हमने बनाए हैं ये जले नहीं। बस इसमें हमें हल्का सा कलर इसका चेंज करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। ये देखिए मेरे सारे पेड़े बनके तैयार है। अब इसमें मैंने गरम पानी जो अपने पेड़े हैं वो मैंने गरम पानी में 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो पानी सारा इसका निकाल के अब हम इसमें दही वड़े में जो दही होती है उसका मसाला रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने मार्केट से दही ले लिया है, अमूल की दही है, आप लोग देख सकते हो। ये थोड़ी गाढ़ी रहती है इसलिए मैंने इसी का यूज़ किया। उसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी मिलाई है टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको चीनी मतलब मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप मीठा ज़्यादा कर सकते हो। बाद थोड़ा सा कसूरी लाल मिर्च और ये मैंने रायता मसाला डाला है, क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हम इसे अच्छे से फेटेंगे। ताकि जो उसमें जो चीनी है वो घुल जाए। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। ये नॉर्मल पानी है, आप चाहो तो ठंडा पानी का यूज़ भी कर सकते हो। फिर मैंने इसमें हरी धनिया डाला है, क्योंकि आप जो हमारे दही का मसाला है कितना टेस्टी लग रहा है देखिए में। अब हम अपनी प्लेट लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें अपनी जो दही वड़ी है वो रखेंगे। उसके बाद डाला है। अब आप देख सकते हो हमारे दही बड़े हैं। आप देख सकते हो मेरे दही बड़े हैं जो एकदम रेडी हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देखिएगा, और अगर आप न्यू
बाय।